चलिए तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। आपको पता है दृष्टि करंट अफेयर्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, घटनाचक्र। तो इसमें कब तक की बात करेंगे हम लोग, 1 नवंबर 2018 से 20 नवंबर 2019 तक। वो आपको याद रखना है, दृष्टि घटनाचक्र करंट अफेयर्स 2019 के नाम से प्ले लिस्ट में सूची मिल जाएगी, उसमें जाकर सभी लेक्चर इससे संबंधित पड़े होंगे वहीं, ठीक है। तो वहाँ जाकर क्रम बाई क्रम देख सकते हैं। तो सबसे बात पहले बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हम लोग भारत का नया राजनीतिक मानचित्र। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू है, ठीक है। 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र नौवा संस्करण, याद रखना नौवा संस्करण, यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया। इस मानचित्र में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दो जिले कारगिल, याद रखिए लद्दाख, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें दो जिले हैं, कारगिल और लेह, जबकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के शेष जिले जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के धारा 3 में विनिर्देश लेह जिले के राज्य क्षेत्र में विद्यमान जम्मू कश्मीर राज्य निम्नलिखित जिले सम्मिलित होंगे, गिलगिट, गिलगिट उपवजारत, चिलास जनजातीय राज्य क्षेत्र, लेह और लद्दाख कारगिल के वर्तमान राज्य क्षेत्र के सिवाय। याद रखिए वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर में 14 जिले थे जिन्हें वर्ष 2019 तक 28 जिलों में पुनर्गठित किया गया था। वर्तमान की बात करें तो भारत में 28 राज्य बचे हुए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा खबर है बंजर भूमि एटलस 2019। बंजर भूमि एटलस भू संसाधन विभाग, याद रखिए भू संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से वर्ष 2000 से ही विकसित किया जा रहा है। अब तक इसे 4 संस्करणों का विकसन किया जा चुका है, 2000 में, फिर 2005 में, 2010 में और 2011 में, ठीक। 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि एटलस के 5वें संस्करण को जारी किया। यह जम्मू कश्मीर की अब तक के सर्वेक्षण नहीं है। 12.8 मिलियन हेक्टर क्षेत्र के मानचित्रण सहित विभिन्न श्रेणियों की बंजर भूमियों के जिले और राज्यवार वितरण को प्रदर्शित करती है। इसमें 2008, 9 और वर्ष 2016-17 के बीच बंजर भूमि में आए परिवर्तन प्रस्तुत किए गए हैं। इस एटलस के अनुसार देश में बंजर भूमि 2008-09 के 56.60 मिलियन हेक्टर, जो देश का 17.21 भौगोलिक क्षेत्र है, से कम होकर 2015-16 में 55.76 मिलियन हेक्टर बची, देश का 16.96%, ठीक है। आपको याद रखना है 2015-16 में कमी हुई है, ठीक है। इस अवधि के दौरान 1.45 मिलियन हेक्टर बंजर भूमि गैर बंजर भूमि की श्रेणियों में परिवर्तित हुई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान 0.48 मिलियन हेक्टर, बिहार 0.11 मिलियन हेक्टर, उत्तर प्रदेश 0.10 मिलियन हेक्टर, आंध्र प्रदेश 0.8 मिलियन हेक्टर, मिजोरम 0.057 मिलियन हेक्टर, मध्य प्रदेश 0.039 मिलियन हेक्टर, जम्मू कश्मीर में 0.038 मिलियन हेक्टर, पश्चिम बंगाल में 0.032 मिलियन हेक्टर में बंजर भूमि में सकारात्मक बदलाव आए हैं, ठीक है। बंजर भूमि को फसली भूमि 0.64 मिलियन हेक्टर, वन सघन खुला 0.28 मिलियन हेक्टर, वन वृक्षारोपण 0.039 मिलियन हेक्टर और वृक्षारोपण 0.057 मिलियन हेक्टर
औद्योगिक क्षेत्र 0.035 मिलियन हेक्टर आदि में बदल दिया गया है, इसी 1.45 मिलियन हेक्टर में से। ज्ञातव्य है कि भारत की प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.12 हेक्टर है, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.29 हेक्टर है। तो याद रखिए भारत की कितनी है, 0.12 हेक्टर, और विश्व में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता तो 0.29 हेक्टर। बात करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, ब्यूरो रिपोर्ट 2017। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहकर्ता के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81, गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। यह ब्यूरो समय समय पर भारत के अपराधियों से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो 21 अक्टूबर 2019 को NCRB ने भारत में अपराध 2017 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2017 में कुल 50,07,044 संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए। इसमें वर्ष 2016 की तुलना में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। देश में कुल 30,62,579 मामले भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की अंतर्गत पंजीकृत किए गए, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, याद रखना है इसे, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 10.1%, महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पर 9.4%, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर 8.8% पंजीकृत है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की कुल संख्या 3,59,849 रही, जिसमें सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश 15.6%, महिला महाराष्ट्र 8.9% और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर, ठीक है, 8.6%। बच्चों के विरुद्ध की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों दोनों में 14.8 के साथ शीर्ष पर। तो वहीं बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। अनुसूचित जाति से संबंधित अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश 26.5% शीर्षक पर है। साइबर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर 22.8%। आर्थिक अपराध के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है 14.5%। भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र में सर्वाधिक है 22.8%, और सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, याद रखिए सिक्किम। फिर अगली खबर है कर्नल चुआंग रिनचेन सेतु। भारत सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा व दूरस्थ क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयासरत है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 21 अक्टूबर 2019 को पूर्वी लद्दाख में कर्नल चुआंग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया। यह पुल इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी की सुविधा को तो प्रदान करेगा ही, साथ ही यह सीमावर्ती क्षेत्रों हेतु भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें स्मरणीय तत्वों की बात करें तो जो याद रखना है, कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया, हिमांग परियोजना के तहत किया गया, सेवक नदी पर किया गया है। याद रखिए कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु सेवक नदी पर है। सेवक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। दुर्गम इलाके में पुल निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए इसे माइक्रो पाइलिंग तकनीक द्वारा निर्मित किया गया। यह 430 मीटर लंबा पुल है। काराकुरम और चांग चेनमू पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यह पूर्वी लद्दाख में दुर्गुक और दौलत बेग उल्टी को जोड़ता है। साथ ही इस पुल के माध्यम से लद्दाख के लोगों तथा जम्मू कश्मीर के सभी आंतरिक क्षेत्रों का सिर्फ भारत से संपर्क हो सकेगा। यह पुल लगभग 14,650 मीटर फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। यह भारत का सबसे ऊंचा बहुविस्तार स्थायी पुल है। पुल का नाम कर्नल चिवांग रिनचेन रखा गया है। ज्ञातव्य है कि कर्नल चिवांग रिनचेन भारतीय सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। इन्हें 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्हें लद्दाख का शेर भी कहा जाता था। ठीक है, मैत्री पेच राष्ट्र को समर्पित 1 अप्रैल 2019 को
नवासी वर्षीय युद्ध नायक पुनचोक अंगदस ने जम्मू कश्मीर ले में सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे केबल सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का नाम है मैत्री ब्रिज, जो लेह लद्दाख क्षेत्र में उत्कृष्ट नागरिक सैन्य संबंधों का प्रतीक है। यह ब्रिज लेह के चोंगला मिसार गांव में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 260 मीटर है। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर की साहस एवं योग्यता, सीमेंट के कॉम्बैट इंजीनियर्स ने यह मैत्री ब्रिज तैयार किया है। रिकॉर्ड 40 दिनों में सेना ने इस कार्य को पूरा किया। मैत्री ब्रिज से लद्दाख के तीन सबसे बड़े पार्ट चोगला मिसार स्तूप और चुचोट के लोग सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर 2019 को और 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर 2019 को समाप्त हो रहा था। इससे पूर्व चुनाव करवाने की अनिवार्यता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 27 सितंबर 2019 को इन राज्यों में चुनाव की जारी की थी तिथि। इसमें तथ्यों की बात करें तो 21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र और विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। हरियाणा में 68.47% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में 60.83% रहा। दोनों राज्यों में मतगणना हुई 24 अक्टूबर 2019 को। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली, मत मिला यानी मत प्रतिशत 36.49। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही, 31 सीटें मिली ने और 28.8% मत मिली। जन नायक जनता पार्टी 10 सीटें मिली। हरियाणा लोकहित पार्टी इसे 1 सीट मिली। इंडियन नेशनल लोक दल 1 पार्टी और निर्दलीय रहे, ठीक है, 7। और नोटा को 0.52 मिले। इसमें स्पष्ट बहुमत हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। हालांकि भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 40 सीटें जीती। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने जन नायक जनता पार्टी के तथा कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार का गठन किया। 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि जन नायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली, 27.75% मत। शिवसेना दूसरे नंबर पर 56 सीटें मिली, 16.41%। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 54 सीटें मिली, 16.71% से मत मिले। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44, निर्दलीय 13 रहे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल को 2 सीटें, बहुजन विकास अघाड़ी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 मिल गई। बिहार पार्टी को, जनशक्ति पार्टी को 2 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 1 पार्टी, ठीक है, जो राज ठाकरे की पार्टी है, ठीक। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जन स्वराज शक्ति क्रांतिकारी श्वेतकारी पार्टी, प्रेसिडेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय समाज पक्ष तथा स्वाभिमान पक्ष को भी 1-1 सीट मिली प्राप्त। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। महाराष्ट्र पार्टी के राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोठार कोश्यारी की सिफारिश पर 12 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने 2022 तक एक नए समावेशी भारत, ए न्यू इंक्लूसिव इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया। इस संदर्भ में अटल नवाचार मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के रूप में शामिल है। इस सूचकांक के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने में राज्यों के परिवेश की अनुकूलता तथा उनके नवाचारी कार्यों के परीक्षण दोनों का परीक्षण किया गया।
इस सूचकांक में निम्न दो मुख्य शीर्षक के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया, इन्हें वालरस। ये ऐसे घटक हैं जो राज्यों के तथाशासित प्रदेशों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेवलर्स माध्यम से ही नापा जाएगा। प्रदर्शन किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम इस शीर्षक के तहत शामिल किए गए। ठीक है, इन वलर्स तथा प्रदर्शन इन दोनों पैमानों में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त स्कोर के औसत के आधार पर उसके समग्र नवाचार स्कोर की गणना की जाती है। इस सूचकांक में 29 राज्य जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में को 3 श्रेणियों में बांटा गया, बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश शहरी राज्य, छोटे राज्य। यह वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि राज्यों को उनकी प्रशासनिक, आर्थिक और भौगोलिक समानता के आधार पर रैंक प्रदान की जा सके। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर किया गया, जहां नवाचार के संदर्भ में 0 सबसे खराब प्रदर्शन तथा 100 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इंगित करता है। बड़े राज्यों में बात करें तो कर्नाटक 65.65 प्रथम स्थान पर है तथा झारखंड 6.20 अंतिम स्थान 17वें स्थान पर है। तो याद रखना है, इसमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहली नंबर पर है। अगर बिना किसी वर्गीकरण के सभी भारतीय राज्यों का मूल्यांकन एक साथ किया जाए तो इस दृष्टि में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है राज्य। अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में शीर्ष बड़े राज्यों की बात करें पहुंच की, तो पहले पर है स्कोर 35.65 के साथ कर्नाटक पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर स्कोर 32.98 के साथ तमिलनाडु दूसरे पर, 29.93 स्कोर के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर, 22.06 स्कोर के साथ तेलंगाना तीसरे स्थान पर, 20.55 स्कोर के साथ हरियाणा पांचवें स्थान पर। तो आपको याद रखना है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान पर 5 राज्य हैं, कर्नाटक पहले पर, तमिलनाडु दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर और तेलंगाना चौथे पर, हरियाणा पांचवें पर। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें 15.49 के साथ सिक्किम पहले पर स्कोर में, 13.76 स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे पर, 13.12 स्कोर के साथ उत्तराखंड तीसरे पर और 11.69 के साथ मणिपुर चौथे पर और 11.07 के साथ जम्मू कश्मीर चौथे पर। तो याद रखना, पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम पहले पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे पर, उत्तराखंड तीसरे पर, मणिपुर चौथे पर, जम्मू कश्मीर पांचवें। अब बात करते हैं शीर्ष 5 केंद्र शासित क्षेत्र शहरी राज्यों छोटे राज्यों की बात, तो 42.98 के साथ दिल्ली पहले पर है, 27.97 के साथ चंडीगढ़ दूसरे पर, 22.49 के साथ गोवा तीसरे नंबर पर और 13.94 के साथ पुडुचेरी चौथे पर और 12.75 के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पांचवें स्थान पर है। ठीक है, तो छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले पर, चंडीगढ़, फिर गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पांचवें स्थान पर। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन के बारे में, क्योंकि बड़े लेक्चर आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ने में और मेरा भी टाइम ज़्यादा बोल। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। तो इनका पूरी लिस्ट आपको प्ले लिस्ट सूची में मिल जाएगी, घटना चक्र दृष्टि के नाम से 2019 के नाम से। ठीक है, करंट पे जाके वहाँ सबको एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे।